सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एफएल स्टूडियो मोबाइल में मगही सॉन्ग का बीट पैटर्न को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मगही सॉन्ग का जो बीट पैटर्न है, जैसे कि डीजे बिहारी म्यूजिक यूज करते हैं, और ये जो पैटर्न होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो है आशीष यादव का सॉन्ग में यूज होता है, रोशन रोही का सॉन्ग में यूज होता है। तो अगर आप इस पैटर्न को सीख जाते हैं दोस्तों, तो आप जो है डीजे बिहारी म्यूजिक जैसा पैटर्न बना सकते हैं, यानी कि सॉन्ग बना सकते हैं, और आशीष यादव का कोई सा भी सॉन्ग हो उसे आप रिमिक्स कर सकते हैं, यानी कि मगही का कोई सा भी सॉन्ग हो उसे आप आसानी से रिमिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारा कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे एफएल स्टूडियो मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले एक जो है ड्रम्स को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो बीपीएम सेट कर लेना कि आप कितना बीपीएम पे बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं 170 बीपीएम सेट कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम एक ड्रम सिक्वेंसर में सारा सैंपल को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सैंपल आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ऐसे मैं नॉर्मली जो है यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे जो है कुछ सैंपल ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ड्रम्स पे आना है, और यहाँ पे जब ड्रम्स पे आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जब ड्रम्स पे आएंगे तो यहाँ पे ड्रम्स पे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे डब्बा खुल के आ जाएगा, यानी ट्रैक आ जाएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एडिट का बटन मिलेगा, इस पर जाना है, और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जाना है आपको माई फाइल्स पे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है माई जो है यहाँ पे सैंपल पे जाना है। तो मैं यहाँ पे माई सैंपल पे जाता हूँ, और जहाँ पे भी आप सैंपल रखे होंगे सिंपली वहाँ पे जाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर में रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, दूसरा सैंपल लेना, फिर प्लस पे क्लिक करना है, तीसरा, यानी कि जो भी जितना आप सैंपल ऐड करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, और इसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको पहले से ले कर रखा है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पहले वाला ट्रैक में सारा कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो जितना मुझे सैंपल चाहिए वो मैं सब यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। अब ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ये डॉट का जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, तो इस पर आपको होल्ड क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऐड नोट ट्रैक पे क्लिक कर देना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसके नीचे एक और ट्रैक खुल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको उसी चीज़ को अप्लाई करना है, यहाँ पे होल्ड क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिलीट, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पे आपको डिलीट ट्रैक पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक जैसे आप करेंगे दोस्तों, तो इसके नीचे जो ट्रैक है वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ से वो ट्रैक डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं अलग अलग प्रकार का पैटर्न बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है क्लिप लेना है। तो यहाँ पे आपको इसी ट्रैक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये जो है एक क्लिप आ जाएगा, यानी कि एक ड्रम्स का जो है आ जाएगा ड्रम्स, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हार्ट किक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ हार्ट किक लिया हूँ, उसको मैं लगा लेता हूँ, तो ये वाला। और ये सब जितना भी सैंपल है दोस्तों, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सैंपल को, और फाइनली आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी हम लोग कोई पैटर्न बनाते हैं, तो उसके अंदर टोटल जो डब्बा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 होता है, ठीक है। एक डब्बे के अंदर 16 डब्बा होता है, और 16 डब्बा के अंदर यहाँ पे 4 डब्बा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यानी कि टोटल जो डब्बा है यहाँ पे वो 16 है, आपको यहाँ पे मालूम पड़ रहा होगा, एक जो है एक डब्बे के अंदर 16 डब्बा है, ओके। उसके बाद उसी के अंदर यहाँ पे 4, 4, 4, 4 है, ठीक है। यानी कि एक डब्बे के अंदर 4 डब्बा, एक डब्बे के अंदर 4 डब्बा, एक डब्बे के अंदर 4 डब्बा, वैसे ही करके 4 डब्बे के अंदर 16 डब्बा टोटल है, ठीक है। तो आपको जो है किक कैसे रखना होगा, सबसे पहले हम हार्ट किक का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पे रखना है, यानी पहले डब्बा का पहले पे, दूसरा डब्बा का पहले पे, तीसरा डब्बा का पहले पे, और चौथा डब्बा का भी पहले पे। ये हमारा हार्ट किक है, जो कि इसका साउंड सुन सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम हार्ट किक लगा लेते हैं पहले डब्बे पे, और यहाँ पे
ये हमारा हार्ट की दोस्तों लग चुका है। अब यहाँ पे हमारा घुंघरू है, तो घुंघरू को हम साथ में लगा लेते हैं, जो कि पहले वाले पे, पहला का पहला, दूसरा का पहला, तीसरा का पहला और चौथा का पहला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा दूँगा आगे। तो यहाँ पे ये हमारा लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा लो ढोल और हार्ड ढोल है, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगा। ये हमारा हार्ड ढोल है जो कि अच्छा लगता है, ये जो ढोल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ढोल आपको कैसे लगाना है, जैसे कि ये हार्ड ढोल है, तो हार्ड ढोल को दोस्तों आपको जो है तीसरे और चौथे के बीच में लगाना है, ठीक है। पहले वाले डब्बे का तीसरे और चौथे के बीच में, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद दूसरा छोड़ के तीसरे डब्बे के चौथे और तीसरे के बीच में, यानी कि तीसरे और चौथे के बीच में लगाना है, सेम एक डब्बा छोड़ के दूसरे डब्बा में, ठीक है। यानी कि पहले डब्बा में हमने वो लगा लिए, दूसरा डब्बा छोड़ देना और तीसरे डब्बा में सेम चीज़ आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा कुछ लोड होल है जिसको हम लगाते हैं। तो लोड होल दोस्तों जो है नॉर्मली आपको यहाँ पे लगाना है, या फिर दूसरा डब्बा का जो है दूसरे और तीसरे के बीच, चौथे डब्बा का दूसरे और तीसरे के बीच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो यूज करूँगा ये दोनों, तो मैं ये दोनों को लगा लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लगाने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर और भी कुछ लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ, ये भी लोड होल ही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इसको भी, ओके। उसके बाद यहाँ पे पीट हेट लगाएंगे हम लोग एक, जो कि एकदम नॉर्मल सा देखते हैं ये वाला। तो इसको हम वॉल्यूम कम कर लेते हैं, और इसको जो है तीसरे के तीसरे पे, यानी पहले वाले के तीसरे, दूसरे वाले के तीसरे, तीसरे वाले के तीसरे और चौथे वाले के तीसरे, ऐसे लगाते हैं और इस बार इसको सुनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी को हम दूसरा बनाएंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आगे ला के पेस्ट कर देते हैं, और इसको छोटा कर लेते हैं, और इसी को आगे कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, ये हमारा दूसरे वाला को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए फिर से यहाँ पे जाना है, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो है ये ढोल लगाया, इसको यहाँ से हटा देना है। आपको चेंजिंग क्या करना है, सिर्फ यही करना है। ये वाला जो हमारा ढोल है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, कोई और ढोल लगाएंगे। तो ये हम ये दोनों को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हार्ड ढोल है वो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, हार्ड ढोल उसको मैंने हटा दिया है। सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे दो ढोल लगा लेते हैं, और चलिए सुनते हैं, दोनों का फर्क देखिएगा आप। ठीक है, ये हो गया। आप इसके अंदर और भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लो ढोल और हार्ड ढोल को चेंज करना है। यहाँ पे मेरा हार्ड ढोल जो है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आगे चलता हूँ। ये वाला इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ हार्ड ढोल को मैं चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको डबल कर लेता हूँ, और सुनते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा ढोल है, यानी कि ये हार्ड किक है, इसको आप चाहें तो तीन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेप लगाना है, और यहाँ पे प्ले करते हैं, चलिए सुनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा ये जो पैटर्न मैंने अभी लास्ट में बनाया है, ये हमारा जैसे कि जहाँ पे वोकल चलता है, यानी सॉन्ग जहाँ पे गाता है सिंगर, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके नीचे हम यहाँ पे कोई वाइब्रेशन किक लगा देंगे इसके नीचे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, और बहुत सारे सॉन्ग में आप सुने भी होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है मघी सॉन्ग का पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, और अगर कोई डॉट है या फिर किसी सॉन्ग के साथ ये चीज़ को अप्लाई करके देखें, यानी कोई जो है मघी सॉन्ग का अगर आप रिमिक्स करने के लिए बोलेंगे, बहुत सारा कमेंट आएगा कि मघी सॉन्ग को रिमिक्स करके दिखाइए, तो उसके अंदर ये चीज़ अप्लाई करके दिखाइए, तो सारा कुछ अगर आपको कमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि आप मघी सॉन्ग को कैसे रिमिक्स कर सकते हैं, सॉन्ग के साथ मैं रिमिक्सिंग आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे एफएल स्टूडियो मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।